खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हरियाणा के सरपंच, टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। कई दूसरी मांगों को लेकर भी अब सरपंच प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। काफी रोष सरपंचों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक बड़ी समस्या ई टेंडरिंग सरपंचों के लिए बनी हुई है, जिसका लगातार बातचीत करने के बाद भी समाधान होता नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद अब सरपंचों ने दिल्ली के जंतर मंतर का रुख किया और लगातार जंतर मंतर पर ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए सरपंचों को देखा जा सकता है। इसी के साथ सरपंचों की कुछ दूसरी मांगे भी हैं, उन मांगों को लेकर भी सरपंच रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जंतर मंतर पर तो पहुंच चुके हैं सरपंच, लेकिन क्या इससे भी कोई समाधान निकल पाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विनय सिंह का, जो जंतर मंतर से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, ई टेंडरिंग एक बड़ी समस्या बन गई है सरकार के लिए भी, सरपंचों के लिए भी। अब जंतर मंतर पर सरपंच हैं, क्या मान रखे हैं, कब तक यहां पर रहेंगे, प्रदर्शन कब तक यूं ही चलता रहेगा? देखिए, प्रदर्शन की बात की जाए तो एक दिवसीय प्रदर्शन है ये सरपंचों का, यानी कि आज भर का ही ये प्रदर्शन है। और चूंकि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये बुलाया गया विरोध प्रदर्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जहाँ सरपंच पहुँचे हैं, और जो खास तौर पर ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल है उसको विरोध कर रहे हैं सरपंच जो यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि जो राइट टू रिकॉल है वो पहले विधायक और सांसदों पर लागू हो, और ये भी कह रहे हैं कि जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है उसका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जो सीमा है खर्च की वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा और भी अन्य मांगे हैं, जैसे कि खास तौर पर सरपंच और पंचों की सैलरी बढ़ाने की मांग हो, या फिर अन्य जो सुविधाएं टोल माफ करने की, या फिर जो अन्य जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पे सरपंच पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो सरपंच एसोसिएशन है उनके प्रधान रणबीर जी हैं। रणबीर जी, हमने देखा आप लोगों ने चंडीगढ़ पंचकुला में प्रदर्शन किया, सरकार के साथ बैठकें भी हुई, अब आप दिल्ली आए हैं, क्या लगता है दिल्ली से कोई हल निकलेगा? देखो, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम 2024 में ग्राम पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। अब इन लोगों का टाइम है, ये हमारे अधिकार खत्म करने पे लगे हुए हैं। जब हमारा टाइम आएगा तो हम छोटी सरकार बड़ी सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि हमने बहुत सी बातें मांग ली है, जो 2 लाख की सीमा थी उसको 5 लाख कर दिया है, बल्कि साल में 5 बार कर दिया है। ये गुमराह करने की साजिश है, उसमें बाउंड्रीज रख दी, 5 काम कर सकते हैं। भाई, ग्राम पंचायतों को संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, उनको क्यों खत्म करना चाहते हैं? संविधान से तो ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी संविधान से बाहर कोई मांग नहीं, हमारी मुख्य 2 ही मांगे हैं, पंचायती राज एक्ट जो संविधान के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया जाए और राइट टू रिकॉल को समाप्त किया जाए। इसके अलावा और भी मांगे हैं सरपंचों की, पंचों की वेतन की बात हो, वो हमारे प्रवक्ता जी हैं, आपको विस्तार से बताएंगे सारा कुछ। कब तक आप लोग जंतर मंतर में, क्योंकि आपने कहा कि इस तरह के आंदोलन और भी जगह देखने को मिलेंगे, हरियाणा में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे? इसके बाद हम 7 दिन के बाद हरियाणा के अंदर 154 ब्लॉक है, 154 के ब्लॉक प्रधान और उप प्रधान की एक महापंचायत करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। हम सरकार की मुश्किलें बढ़ा देंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनका इतना विरोध किया जाएगा कि इन लोगों को चुनाव के अंदर गांव में इनका जोड़ा उठाने वाला नहीं मिलेगा किसी भी गांव के अंदर। सरकार कह रहे हैं कि सभी पंचायतें मान गई है, सभी सरपंच मान गए हैं, कुछ एक लोग हैं जो कि मान नहीं रहे हैं। सरकार गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। पहले कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिया। अगर भैया 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते, काम किए होते, तो पैसा लैप्स क्यों होता? ये बार बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं 4000 सरपंचों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। हम खुला चैलेंज देते हैं सरकार को, सरकार कहती है हम कुछ एक सरपंच है। अरे भैया, 6226 पंचायतों में से सरकार 1000 सरपंच अपने साथ खड़े करके दिखा दे। 4000 के खिलाफ मुकदमे दर्ज है हमारे लोगों के खिलाफ, 1000 सरपंच सरकार अपने पास खड़े करके दिखा दे, हम मान जाए सरकार सच बोल रही है। ई टेंडरिंग को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो उसमें? ई टेंडरिंग पहले भी होती थी, ई टेंडरिंग हमारी सीमा बढ़ाई जाए काम करने की ग्राम पंचायतों की, 50 लाख तक की सीमा होनी चाहिए ताकि हम अपने गाँव का विकास कर सकें। को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि विधायक और सांसदों पर पहले लागू हो, हम लोगों पर बाद पे लागू हो, क्यों आपको लगता है कि राइट टू रिकॉल सरपंचों पे लागू ना हो? ये लोग 25% वोट लेकर राज कर रहे हैं, फिर तो इनको भी हटाया जाना चाहिए। ग्राम सभी के सभी कानून ग्राम पंचायतों के ऊपर क्यों लागू किए जा रहे हैं?
इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। अगर वो भी चुने हुए प्रतिनिधि और हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सरकार से आप कोई, आपको उम्मीद है कोई बैठक की उम्मीद, कोई मुलाकात, कोई प्रस्ताव हरियाणा सरकार से कोई आप लोगों को अभी फिलहाल उम्मीद है, क्योंकि कई बैठकें हो चुकी हैं आप लोगों की? हमें उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे और अपने अधिकार लेके ही हम लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक हमारे अधिकार, और हम सरकार को बैकफुट पे आने पे मजबूर कर देंगे सरकार को। हम दिल्ली में किसको ज्ञापन देने आए हैं आप? हम अमित शाह जी को ज्ञापन देंगे। विनय बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे, जंतर मंतर पर तमाम सरपंच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब सरपंचों का साफ तौर पर यह कहना है कि राइट टू रिकॉल सांसदों पर विधायकों पर क्यों लागू नहीं किया जाता, और उसी के साथ अपने वेतन को लेकर, टोल माफी को लेकर भी लगातार मांग की जा रही है। तो सूर्य समाचार पर सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, और वहीं सूर्य समाचार पर प्रधान रणवीर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि ई टेंडरिंग योजना वापस ली जानी चाहिए, सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है और लगातार कोशिश रही कि सरकार से जो है उसे बैकफुट पर आने पर मजबूर किया जाए। ये सरपंचों का साफ तौर पर कहना है। एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विनय सिंह का। विनय, आप सीधा सरपंचों से बात कर रहे हैं, तमाम चीजों को हमने सुना है, उनकी मांगे भी, लेकिन अब जो राज्य सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी उनका फोकस है। वो कह रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जताएंगे कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, सरपंचों का दिल्ली आने का मकसद यही है कि जो उनकी मांगे हैं जो अभी तक राज्य सरकार यानी कि हरियाणा सरकार के सामने रख रहे थे, अब वो केंद्र सरकार के सामने रखे दिल्ली आए हैं, और ऐसे में दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देंगे और जो उनकी मांगे हैं वो उस ज्ञापन में लिखी होंगी। ये देख सकते हैं कि अब चूंकि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि तमाम जो सरपंच हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हालांकि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि अधिकतर जो गांव हैं, अधिकतर जो सरपंच हैं वो मान गए हैं, लेकिन अभी कुछ जो लोग हैं वो जरूर नहीं माने हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जिस तरह से अभी हम रणवीर शर्मेन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को बातें माननी होगी, और जो ई टेंडरिंग की लिमिट है वो 50 लाख तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा में जो सरपंच हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो इनकी आगे की रणनीति है वो हरियाणा के ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक इस तरह का प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार इनकी मांग माने। लेकिन अब सरकार कह रही है कि काफी बातें मान ली गई है, 2 लाख की जो लिमिट थी उसको 5 लाख कर दिया है, हालांकि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन कह रही है कि इस लिमिट को बढ़ा के 50 लाख किया जाए। तो ये तमाम तरह की मांगे यहाँ पे इन सरपंचों की तरफ से की गई है। ज्ञापन देंगे गृह मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। एक दिन का जो कि जंतर मंतर पे इनका विरोध प्रदर्शन है, और देखना है कि यहाँ दिल्ली जब ये आए हैं तो इसका कितना असर पड़ा है। बिल्कुल विनय, ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली तक का सफर तो सरपंचों ने तय कर लिया, लेकिन क्या इनकी मांगे जो हैं वो पूर्ण हो पाएंगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी के लिए।